आईजी पंजाब के पीएसओ पीआरओ समेत मुतद्दद पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया गया। 3 डीएसपी नौकरी से फारग। आईजी पंजाब राव सरदार अली ने जहां पंजाब के मुतद्दद डीपीओस एसपीस और डीएसपीस को तब्दील किया है, वहां पर आईजी ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचों के इंचार्ज भी तब्दील करना शुरू कर दिए। आईजी पंजाब ने प्रिंसिपल पुलिस स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंसेज एसएसपी फैसल शहजाद साबक डीपीओ ओकाड़ा को पीएसओ टू आईजी पंजाब तैनात कर दिया, जबकि महकमा इत्तला'आत के नौजवान ऑफिसर उसामा महमूद की भी आईजी ऑफिस में तैनाती कर दी गई है। उसामा महमूद को आईजी पंजाब का पीआरओ तैनात किया गया है। उसामा महमूद बतौर डीपीआर पंजाब पुलिस खिदमत सर अंजाम देंगे। उसामा महमूद इससे पहले मुतद्दद सूबाई वज़रा और साबिक तर्जमान डॉक्टर शहबाज गिल के पीआरओ रह चुके हैं। आईजी पंजाब राव सरदार अली ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में डीएसपी का अर्दर रूम लगाया। आईजी पंजाब ने मुख्तलिफ शिकायत और बेजाब्तियों पर मुअत्तल किए गए 6 डीएसपी से वजाहत तलब की और तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद आईजी पंजाब ने 3 डीएसपी मोहम्मद इजाज, फरक सहेल सिंधु और इम्तियाज अहमद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जबकि डीएसपी आसफ हनीफ, मोहम्मद इकबाल और अमीर अब्बास के शोकास नोटिस दाखिल दफ्तर कर दिए गए। आईजी पंजाब ने अहकाम जारी करने से कबल डीएसपी को अपना मौका पेश करने का भरपूर मौका फराहम किया। इस मौका पर आईजी पंजाब राव सरदार अली खान का कहना था, इख्तियारात से तजावज और करप्शन में मुलव्वस काली बेड़ों की महकमा पुलिस में कोई गुंजाइश नहीं है। पहले जजा फिर सजा की पॉलिसी के तहत अफसरान व अहलकारों के महकमाना एहतसाब के अमल को तेज किया जा रहा है। रिपोर्ट अल हिजाज न्यूज़, गुजरात।